हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक फेस सीरम का रिव्यू करने वाली हूँ। तो वैसे तो मैं सीरम यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैंने लास्ट टाइम एक रोज़ हिप का सीरम यूज़ किया था जो कि काफ़ी अच्छा था और मेरे स्किन पे सूट कर रहा था। उसका रिव्यू आपको मिल जाएगा, वो भी गुड वाइब्स का था। आज भी मैं गुड वाइब्स के ये टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल फेस सीरम का रिव्यू करने वाली हूँ। उसको कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल सीरम है और अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी है और बारिश भी हो रही है तो चिपचिप रहता है। तो ऐसे में ऑयल कंट्रोल वाली चीज़ें यूज़ करना चाहिए जो कि आपकी स्किन पे एक्सेस ऑयल ना आने दें, ज़्यादा चिपचिप ना करें। तो ये लाइट वेटेड है और ऑयल कंट्रोल भी करता है। अगर ऑयल कंट्रोल करेगा तो आपकी स्किन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, जैसे एक्ने की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी अगर स्किन पे ऑयल नहीं रहेगा, डलनेस नहीं रहेगी और ब्लैक हेड्स वगैरह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसको कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, इसने कैसा मेरे स्किन पे काम किया ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। गुड वाइब्स का टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल फेस सीरम जो कि पैराबिन सल्फेट फ्री है, और गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट्स ही पैराबिन सल्फेट फ्री हैं, आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएंगे। ये 10 ml का पैक है, इसका 30 ml का पैक भी आता है। इसकी प्राइस 240 है जो कि अभी आपको आफ्टर डिस्काउंट 130-140 के अराउंड मिल जाएगा 24 months तक, मतलब 2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अंदर से कुछ ऐसा है और इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि ऐसा इन्होंने ड्रॉपर दिया हुआ है जिसे आप इजीली अपने फेस पर लगा सकते हैं। ग्लास बॉटल है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सारा इन्फॉर्मेशन कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे इसको यूज़ करना है, सारा डिटेल बाहर दिया हुआ है। क्योंकि जो इसके एक्टिव इन्ग्रीडियंट हैं वो है टी ट्री और पपाया। टी ट्री फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। टी ट्री ऑयल क्या करता है, एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम को दूर करता है और ऑयल कंट्रोल करता है। पपाया क्या करता है, पपाया में भर भर के विटामिन ए होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है, जैसे कि दाग धब्बे, एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है, डलनेस दूर करता है, स्किन को ब्राइट बनाता है, लाइट बनाता है। तो ये जो सीरम है ये भी ये सारे क्लेम करता है कि आपकी स्किन को लाइट करेगा, ब्राइट करेगा, एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करेगा, डलनेस को दूर करेगा, ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है स्किन पे उसको कम करेगा, जिससे कि आपकी स्किन हेल्दी बन जाएगी। ये जो फेस सीरम है ये लाइट वेटेड है और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, जब ड्राई हो जाए तो इसकी 2 से 3 drops आप अपने फेस पे लगाइए और अच्छे से पूरे में मसाज कर लीजिए। बहुत ही जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करेगा, बहुत लाइट वेटेड है। इसको लगाने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्किन पे कुछ लगाया भी है या नहीं लगाया है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो ये इसमें है टी ट्री ऑयल, पपाया एक्सट्रैक्ट, मशरूम एक्सट्रैक्ट, स्पिनच एक्सट्रैक्ट, टोमेटो एक्सट्रैक्ट, सैलिसिलिक एसिड और बाकी सारे इसमें केमिकल्स दिए हुए हैं, ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसमें फ्रेग्रेंस भी है, फ्रेग्रेंस काफ़ी माइल्ड है और आपको पता नहीं चलेगा, एक बार जो आपकी स्किन पे ये सीरम एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और आप इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन जो लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। इसको आप दिन में लगा सकते हैं, ओवर नाइट लगा के भी रख सकते हैं। तो इन तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ें हैं और नेचुरल चीज़ें कई बार स्किन पे सूट नहीं करती हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले आप पेस्टर्स ज़रूर कीजिए क्योंकि हो सकता है टी ट्री ऑयल या पपाया एक्सट्रैक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको सूट ना करें। तो इसको यूज़ करने से पहले पेस्टर्स ज़रूर कीजिए, फिर इसको यूज़ करना शुरू। तो ये जो फेस सीरम है इसको मैं 20 days हो गया होगा, 15-20 days से यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं इसको दिन में लगाती हूँ,
3-4 बार मैंने ओवरनाइट भी यूज़ किया इसको। तो इसको लगाने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस नज़र आया वो ये कि मेरा फेस काफ़ी डल लग रहा था, इसको लगाने के बाद डलनेस कम हुई, थोड़ा सा ब्राइट नज़र आया। दाग धब्बों की बात करें तो थोड़े से लाइट नज़र आए एकदम से, मुझे नहीं लगा कि ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में ही आपके दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, पर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो थोड़े से लाइट होते नज़र ज़रूर आएंगे। और एक्ने की बात करूँ तो इसने मेरे एक्ने को बढ़ाया नहीं, एक्ने की प्रॉब्लम को बढ़ाया नहीं है। ठीक हुए हैं या नहीं वो मुझे इतना समझ नहीं आया है, क्योंकि मैं रात को अलग से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेती हूँ, पर इसने मेरे दानों को बढ़ाया नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसको लगाने के बाद आपके दाने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ लोगों के हुए भी हैं, क्योंकि मैंने इसको रिव्यू पढ़ के ही, आपको ऑनलाइन इसके रिव्यू मिल जाएंगे, आप वहाँ पर लोगों के एक्सपीरियंस देख सकते हैं, कुछ लोगों के दाने भी दूर हुए हैं, पर मुझे इतना समझ नहीं आया। पर हाँ, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और आप कोई फेस सीरम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल इसको एक बार यूज़ करना चाहिए। ये स्किन पे बहुत अच्छे से काम करता है। कुछ लोगों की स्किन पे दाग धब्बों की प्रॉब्लम को दूर किया, कुछ लोगों ने शेयर किया कि उनके एक्ने को दूर किया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन थोड़ी सी ब्राइट हो गई इसको लगाने के बाद, डलनेस दूर हुई। तो हर टाइप की स्किन पे अलग अलग अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप भी इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना अगर आप सीरम यूज़ करना पसंद करते हैं तो। और आपकी स्किन डल हो गई है, स्किन केयर अच्छे से नहीं कर पाते हो, स्किन डैमेज हो रही है, तब आपको एक बार इसको यूज़ बिल्कुल करना चाहिए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें टी ट्री ऑयल है। अगर आपको टी ट्री ऑयल सूट करता है तो ये सीरम बिल्कुल आपको एक बार परचेज करना चाहिए, और ये आपकी स्किन पे अच्छे से काम भी करेगा। आई होप आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।